जिले के चकला गांव में गर्भवती नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया। मामले में महिला के पति ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। मृतका के पति ने डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम लोगों को रिफर करके मुंगेली भेज रहा था। मुंगेली जब भेज रहा था तो सिमरिया गांव पहुंचे थे। सिमरिया गांव में मेरे मैडम बोलते हैं मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरे को हॉस्पिटल वापस लेके चलिए। ऐसा करके हम वापस लेके आ गए। वापस लेकर आए फिर मैडम दो तीन मिनट तक ठीक ठाक रहे, उसके बाद तो वो खत्म हो गए मेरे यहाँ। मैडम इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी और इसमें जो है नोटिस जारी किया गया है, तो जैसे ही उनका जवाब आ जाएगा आगे विस्तृत जांच करके इस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर मुंगेली से है। गरियाबंद जिले में लिपिक की आत्महत्या को लेकर लिपिक संघ ने तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लिपिक संघ ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि लिपिक शुभम पात्रे ने सुसाइड नोट में तहसीलदार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। लिपिक संघ ने मृतक से ट्रांसफर के लिए 25,000 रुपए मांगने का भी आरोप लगाया है। अधिकारियों द्वारा ट्रांसफर के लिए पैसे की मांग की गई, 25,000 की मांग की गई, परंतु उसके बाद भी अभी तक FIR दर्ज नहीं होना बहुत ही निंदनीय है। और ये सोचने का विषय है कि हम कर्मचारियों को लगातार किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है और उसके बाद कुछ कदम उठाने पर कार्रवाई भी नहीं होती। जिला लिपिक संघ मुंगेली के द्वारा शुभम पात्रे जो कि देवभोग का कर्मचारी रहा है, तो उसने सुसाइड कर ली थी लास्ट कुछ एक आध हफ्ता पहले, उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। खबर जियापुर से है। ब्यावरा बता